और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। मंत्री के पीएस के नौकर के घर से ये कैश जब्त किया गया। छापेमारी में अब तक 30 करोड़ कैश बरामद हुआ है, ये दावा कर रहे हैं बीजेपी नेता निशिकांत दुबे। रांची में कई जगहों पर अभी भी ईडी की रेड जारी है। सात महीने पहले वीरेंद्र राम के यहाँ रेड हुई थी, इंजीनियर के यहाँ, उसके यहाँ एक डायरी पकड़ाई थी, उसमें कई विधायकों का नाम था और मंत्री आलमगीर आलम और उसके सचिव का नाम था कि ये सभी टेंडर मैनेज करते हैं। और उसी के सिलसिले में मुझे लगता है कि ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। दो काम कर, एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है, आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है जो कांग्रेस का, वो पैसा खा रहा है। इतना पैसा यदि मिला है इसका मतलब पैसा अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुँचा रहा होगा। है विभाग के विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देख कर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो जो दो दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है।